ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नशा निवारण के अंतर्गत पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में आज से 15 दिसंबर तक विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। हमीरपुर में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने गांधी चौक पर अभियान का शुभारंभ करते हुए उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं को किसी भी तरह का नशा न करने पर इसके रोकथाम में हर संभव मदद करने की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने नशा निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। नशा निवारण के अंतर्गत पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में आज से 15 दिसंबर तक विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। हमीरपुर में उपायुक्त हरकेश मीणा ने गांधी चौक पर अभियान शुभारंभ करते हुए उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं को किसी भी तरह का नशा न करने व इसकी रोकथाम में हर संभव मदद करने की भी शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने नशा निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गलत में जाने से रोकने में सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि एक सशक्त व स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। ये एक महीने का थ्रू आउट हिमाचल एक मुहिम है नशे के खिलाफ। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये प्रोग्राम है और इसको टारगेटेड वे में डिफरेंट प्रोग्राम किए जाएंगे। इसका आज शुभारंभ था और इसमें हमने हिमाचल में डिफरेंट सब डिविजन्स पे इसको स्कूलों के प्रोग्राम और जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और इसमें नशे के निवारण के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं जिनमें जागरूकता वन ऑफ द स्टेप हैं। तो आज के प्रोग्राम में बच्चों को नशे के जो दुष्प्रभाव और जो नशे से किस तरह से बचा जाते हैं उसका संदेश दिया गया और सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई। और ये एक महीने का एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है जिसमें हमने डिफरेंट जो मैसेज हैं पंपलेट ग्रुप में वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हमारी टीम है जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में है वो काम करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रारंभ इस अभियान के अंतर्गत नशीले पदार्थों व शराबखोरी से दूर रहने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए दैनिक आधार पर एक बृहद कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें सभी विभाग माहवार अलग अलग गतिविधियां आयोजित कर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं शहरी निकायों नेहरू युवा केंद्रों के स्वयंसेवी YSS युवक महिला मंडलों स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है।